दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक वायरल मैसेज की सच्चाई के बारे में जो दोस्तों तेजी से वायरल हो रहा है और जिसमें दावा किया जा रहा है कि कुछ एचआईवी संक्रमित लोग जो हैं वो सिनेमा हॉल की सीट पर जाकर एचआईवी संक्रमित सुई को छोड़ देते हैं ताकि जो भी कोई भी उस सीट पर बैठे उन्हें एचआईवी एड्स हो जाए। और इस मैसेज को अमित खामिटकर के नाम से वायरल किया जा रहा है जो कि चेन्नई मेडिकल रिसर्च एंड डिविजन के IAS है। तो दोस्तों इस मैसेज की सच्चाई क्या है, क्या है इस मैसेज की हकीकत, क्या है सही क्या है गलत, इसके जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा पूरा देखिए और हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। तो दोस्तों अभी जो ये मैसेज, इस तरह का मैसेज जो वायरल हो रहा है कि एचआईवी संक्रमित से लोग जो है वो लोगों को एचआईवी एड्स देने के लिए सिनेमा हॉल की सीट पर जाकर एचआईवी संक्रमित सुई छोड़ देते हैं ताकि लोगों को एड्स हो जाए। तो दोस्तों इस मैसेज में मैं आपको बता दूं कि इस मैसेज में बिल्कुल कोई भी सच्चाई नहीं है। ऐसे मैसेजेस जब आए तो इससे भयभीत ना हो दोस्तों, और जो है ऐसे मैसेजेस को आप कभी फॉरवर्ड ना करें। तभी इसीलिए मैंने इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ ताकि जैसे वायरल मैसेज जो है लोगों तक फैल जाती है बिना किसी सच्चाई के, इसके लिए दोस्तों हमें ये जानना जरूरी है कि इस मैसेज के पीछे की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार आज का मैसेज नहीं है, हालांकि ये मैसेज आज प्रसिद्ध हो रहा है, लेकिन ये इस मैसेज का कनेक्शन जो है दोस्तों 20 साल पुराना है। 1998 में इस तरह का पहला मैसेज वायरल हुआ था। उस समय दोस्तों ईमेल के जरिए ऐसे मैसेजेस और माउथ पब्लिसिटी के जरिए ऐसे मैसेजेस वायरल हो रहे थे। जब पहली बार जब मतलब शुरू शुरू में इंडिया में एड्स जैसी बीमारी के बारे में लोगों ने सुना था, तो लोगों को भयभीत करने के लिए उस समय इस तरह के मैसेजेस आए थे लोगों के पास। तब से लेकर आज तक 1998, 2001, 2002, फिर अभी भी हाल ही में लोगों के पास फिर से ऐसे मैसेज आ रहे हैं दोस्तों। इस मैसेज में दोस्तों यही सच्चाई कि मैटर तो वही है दोस्तों, लेकिन नाम और किरदारों को बदल दिया जाता है और ये बताया जाता है कि अमुक नाम की लड़की को या अमुक नाम के लड़के को इस तरह की शिकायत हुई थी, उन्हें भी सुई चुभा था और उनको बाद में एड्स हो गया। लेकिन दोस्तों snogs.com ने जब इस खबर का पता लगाया तो उन्हें पता चला कि इस तरह के मामले तो हुए लेकिन किसी को एड्स नहीं हुआ। गनीमत है कि किसी को एड्स नहीं हुआ। तो इसके बारे में जब एक एजेंसी, एक जो है स्वयंसेवी संस्था से बात की गई थी इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि हाँ भले मैटर तो सही है, लेकिन दोस्तों समझदारी इसी में है कि जब भी आप कहीं सार्वजनिक जगह पर जाए, जहां पर जैसे कि होटल हो, रेस्टोरेंट हो या सिनेमा हॉल हो, तो वहां पर आप दोस्तों साफ सफाई का ध्यान रखिए। जब भी आप बैठे तो कुर्सी या टेबल को जो भी आप जहां पर बैठने जा रहे हैं वहां पर उसे एक बार चेक कर लीजिए, हो सकता है ऐसा कुछ आपके आपको दिख जाए और आप बच जाए। तो दोस्तों मैसेज की सच्चाई बस यही है। और एक डॉक्टर ने इस बारे में बताया है कि हाँ ये सही है कि अगर हम एचआईवी सुई के संक्रमित संपर्क में आते हैं तो हमें भी एचआईवी एड्स का खतरा हो सकता है, और साथ ही साथ दोस्तों हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती है। तो दोस्तों मैटर जो है वो सही है, लेकिन ऐसा जो मामला है किसी के साथ हुआ नहीं है अभी तक, इस मैसेज में कोई सच्चाई नहीं है। तो दोस्तों आगे से अगर आपके पास ऐसा कोई मैसेज आता है तो भयभीत होकर लोगों को और भयभीत ना करें और ऐसे मैसेजेस को अंधाधुंध फॉरवर्ड ना करें। दोस्तों इसी मकसद से मैंने ये इस बारे में आप लोगों को बताना जरूरी समझा। अगर आप लोगों को यह वीडियो दोस्तों पसंद आया है, जानकारी पसंद आई है, तो इस वीडियो को कृपया कर शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।